चिली चिकन बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हनी चिली चिकन बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से कट करके ले लिया, स्ट्रिप्स में लेना है हमें। इसमें मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1/2 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस और 1/2 स्पून विनेगर डालेंगे। मैंने एक अंडा लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी और 2 चम्मच मैदा डालूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। चिकन को मैदा और कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरीके से हमें कोट करना है, इसलिए हमको इसको मिक्स कर लेना है। एक कढ़ाई में हमें इतना तेल लेना है जिसमें हमारी चिकन फ्राई हो सके, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम एक एक करके हमारी चिकन के पीस को डाल देंगे। चिकन को गोल्डन ब्राउन तक का मैंने इसे फ्राई कर लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हनी चिली चिकन के लिए अब हम सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। 2 चम्मच टमाटो केचप लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। उसी में मैंने 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस और 1/2 चम्मच विनेगर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक सॉस प्रिपेयर कर लेंगे और इसी सॉस को हम हनी चिली चिकन में यूज़ करेंगे। एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसमें मैं चॉप जिंजर और गार्लिक डालने वाली हूँ, और ऑयल में जिंजर गार्लिक को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब जिंजर गार्लिक अच्छे से सॉटे हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे, तब हम इसमें कैप्सिकम और अनियन डाल देंगे। मैंने कैप्सिकम को इस तरीके से क्यूब्स में काट के लिया है और अनियन को भी इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम सॉटे कर लेंगे। जैसे हम रेस्टोरेंट में क्रिस्पी चिकन, स्वीट सार चिकन खाते हैं, वैसे ये हम घर पर भी आराम से बना सकते हैं। ये घर पर इजीली और बेहतरीन बन जाती है। वेजिटेबल्स अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब हम इसमें हमारा सॉस डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ देर सॉसेस को पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें हमारा कॉर्नफ्लोर का स्लरी डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स करके स्लरी बनता है, हम इसमें ये डाल देंगे, इससे हमारी ग्रेवी जो होती है वो थिक हो जाएगी। इसे मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने तक इसे पका लेंगे, फिर हम इसमें हमारी चिकन डाल देंगे। देखिए स्लरी डालने से हमारी ग्रेवी फौरन से थिक हो गई है। अब हम इस वक्त हमारी फ्राई चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन को सॉसेज में मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 स्पून हनी डाल देंगे। हनी डालने से इसमें अच्छा सा टेस्ट और शाइन आ जाएगी और स्वीटनेस भी आ जाएगी।
मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें व्हाइट सेसमी सीड्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश करने वाली हूँ। बस अब हमारी हनी चिली चिकन रेडी है सर्व होने के लिए। ये एक इंडो चाइनीज डिश है, आप इसे स्टार्टर्स के वे में सर्व कर सकते हो। मैंने इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना था। और अगर आपको दूसरी भी रेसिपीज देख रही हैं तो प्लीज कमेंट्स में सजेस्ट करें।